हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नारी में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक विंटर स्पेशल रेसिपी, मूली का अचार, जो कि बिना तेल के बनेगा। ये हम दो तरीके से बनाने जा रहे हैं। एक में हम नींबू की खटाई यूज करेंगे और एक में हम यूज करेंगे राई की जो दाल होती है, सरसों की दाल कहते हैं, पानी के साथ यूज करेंगे हम, उससे खटाई लेंगे हम। तो इस तरह से दो तरह के विंटर अचार बनाएंगे हम मूली से। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे ये अचार। तो हम बनाने जा रहे हैं विंटर्स के लिए एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, जो अचार का सब्स्टिट्यूट का काम करेगा। इसके लिए आप एक खाली बॉल में इस तरह से थोड़ी सी कटी मिर्च ले लें, करीब करीब दो मिर्च। इसे बीच से हमने स्लिट करके और काट लिया है बड़े बड़े पीसेस में। इसी तरह हम डालेंगे इसमें अदरक, जो कि हमने छील के स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें मूली। मूली आप चाहे तो स्लाइस में भी कट कर सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। और इसी के साथ जाएगा इसमें नींबू का रस। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, क्योंकि अचार का सब्स्टिट्यूट है, थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा ही लगेगा। एक पिंच जितनी हींग, थोड़ी सौंफ हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा, करीब करीब दो पिंच। और साथ ही इसमें जाएगी ये पीली सरसों, जिसे राई की दाल कहते हैं, जो हम अचार में यूज करते हैं, करीब करीब वन टी स्पून। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें नींबू का रस आपको इतना डालना है कि ये सब चीजें उसमें डूब जाएं, जैसे ये डूब गई है। और जैसे इसको आप अभी आपने बना लिया, अब एक दिन के लिए इसे ऐसे ही रख दें बाहर ही, तो मूली में, मिर्च में, अदरक में नींबू का रस थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा, नमक मसाला सब उसमें टेस्ट आ जाएगा। और फिर आप इसे रोटी के साथ खाएं, आपको अचार की जरूरत महसूस नहीं होगी। और इसे बाद में आप किसी कांच की बर्नी में भरकर फ्रिज में रख दें तो ये खराब भी नहीं होगा और 8 दिन से लेकर 15 दिन तक ये चल जाएगा। आप आराम से इसे खाएं और ठंड में ये बहुत अच्छा लगता है। मक्के या बाजरे की रोटी के साथ इसे सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला बिना तेल का अचार। फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं मूली के कप्पे, या जिसे मूली का राई का अचार भी कह सकते हैं। ये बहुत पुरानी हमारी दादी नानी की रेसिपी होती है, हमारी दादियां इस तरह से बनाती रहती थी। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है हमारा ये राई वाला मूली का अचार। इसके लिए हमें लेना है इस तरह से ये पीली सरसों जो होती है, जिसे हम अचार में यूज करते हैं, ये हम ले लेंगे, 2 टीस्पून हमने ले लिया। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे इसमें नमक। इसमें नमक की क्वांटिटी काफी अच्छी रखनी होती है, कम नमक होने से ये खराब हो सकता है, तो करीब करीब 3 टीस्पून हम इसमें नमक ले लेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, करीब करीब 2 पिंच, 1 पिंच जितनी हींग। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, हाफ टी स्पून करीब करीब सौंफ हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये बिना तेल का अचार है एक तरह से, जो खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और हेल्थ के हिसाब से आप देखें तो कोई ऑयल नहीं है इसमें। इसे हमें बस इसे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा फेंटना है। ये मसाला मिक्स हो गया अच्छे से, थोड़ा सा हमने इसको फेंट दिया था। अब हम लेंगे मूली के स्लाइसेस, और ये करीब करीब 1/2 कप जितना मूली के स्लाइसेस है ये हम इसमें डाल देंगे। हमने बस मूली को कट कर लिया है और कुछ भी नहीं किया इसको, और इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें डाल देंगे हम पानी और इसको मिक्स कर देंगे।
इसे आपको करीब करीब 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि राई थोड़ा फर्मेंटेड हो जाए और इसमें एक बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा, मूली भी थोड़ी गल जाएगी। तो आपको बस इसको ऐसे ही बाहर ही रखना है जब तक कि गल जाए, 2 दिन आपको लगेंगे इसमें। और ध्यान रखिए इसे चीनी या कांच के बर्तन में ही बनाएं, स्टील या कोई और प्लास्टिक नहीं लें, इस तरह से चीनी या कुछ कांच ही लें। बस इसे 2 दिन तक ऐसे ही हम छोड़ देंगे और हमारा ये मूली के कप्पे, जिसे हम कहते हैं राई की मूली, तैयार हो जाएगी। एक बार आप इस पानी को टेस्ट कर लें कि इसमें नमक कम तो नहीं है, थोड़ा खारा ही लगना चाहिए ये, तभी ये अच्छे से रहेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा अगर नमक कम हुआ तो। बस इसे आप 2 दिन रखें और उसके बाद खाएं। ये अचार का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, आपका अचार खाना भी छूट जाएगा अगर आपने इस तरह से ये खाना शुरू कर दिया तो। इसी तरह की और भी मेरी कई रेसिपीज है, वो भी आप जरूर देखें।